याद आने से तेरे जाने से जान पूरी जा तरह याद आ रहा है। रही है। मोलता ने मिट्टी पूरा होल होल लाई थी, मायके से लाई थी, कब रानीगंज से लाई थी बहुत पहले। तो ये पाउडर बना के मैं इस तरह से रख लेती हूँ। पाउडर वाला भी मिलता है लेकिन कभी कभार ना उसमें थोड़ा सा मिलावट का चांसेस रहता है। इसमें भी काफी सारा कलर होता है, खुशबू होता है एक अलग से। कर लिया, पाउडर बन गया। मुल्तान का मिट्टी है ना, मुल्तान। टोमेटो, अदरक, हरी मिर्च, इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जीरा, थोड़ा सा धनिया, इसको ग्राइंड करना है। स्मॉल पोटैटो को बॉयल करके उसको मस्टर्ड ऑयल पे हल्का सा फ्राई कर लिया, ब्राउन कलर का अच्छा लगेगा। और इसको अभी उठा के रखना है। मस्टर्ड ऑयल पे तेज पत्ता, सूखी मिर्च, थोड़ा सा कलौंजी, जो पेस्ट बनाया था वो, हल्दी, नमक, इस टाइम पे थोड़ा सा हींग। इसको भी अच्छी तरह से भूनना। 3:30 बजे खाना बनाना ना दोपहर में, मैं सोचा बनाकर रख देती हूँ, आके राइस बना लूंगी। तो गर्मी लग रहा है, ये एग्जॉस्ट फैन बेचारा वो भी सोच रहा है मैं कितना काम करूँ, वो भी नहीं काम कर पा रहा। लेकिन आके थक जाती हूँ ना, इसीलिए बना के जा रही हूँ। और यहाँ पे ये बनाना फ्लावर का जो सब्जी होता है ये बना रही हूँ। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया और ये इसको अच्छी तरह से भून भून के एकदम जब लगेगा तेल छोड़ दिया। थोड़ा सा बैलेंस के लिए शुगर जरूरी है, तभी खट्टाई जो है वो बैलेंस होगा। यहाँ से गायब हो रही, नमक नहीं है इसमें। और ये देख के थोड़ा सा गरम है, देखो क्या है, मतलब सूर्य मतलब जलटा देख। ओ बाबा, दिखा दिखा कौन सा वाला ढूंढ ढूंढ के निकल रहा था, ब्राउन जिनका हो गया। थोड़ा सा पानी दे के जस्ट हल्का सा सिमर करना है, क्योंकि अंदर तक पानी, अंदर तक सॉल्ट जाना चाहिए, पानी तो नहीं जाएगा अंदर तक। बहुत दिन नहीं बोला। कैमरा पर्सन स्वीटी के साथ मैं हूँ स्वीटी, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम किचन मैत्री स्पेशल इंडिया। हाँ, कुछ बार बोल रहा था मैत्री स्वीटी को बोलना, तो मुझे अभी याद है उसका, मैं भी भूल गई थी। कैमरा पर्सन स्वीटी है हमारा, अभी वो भी स्कूल से आके खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेती है, और जो भी घर उसका स्कूल का काम होता है। इस तरह से जब ड्राई ड्राई हो जाएगा गैस को ऑफ करो, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी बस, मस्त एकदम। किसके साथ अच्छा लगेगा बताओ तो सही। स्वीटी वाले कुछ साइक्लोन आया है, हाँ सुबह से क्लाउड, मुझे लगा बारिश आ गई इतना जल्दी। क्या पूरा देखो, पूरा मतलब अजीब ही जैसा वेदर है। क्या नाम है? आसानी बाबा, साइक्लोन का नाम है आसानी, मतलब आसानी से वो चला जाएगा बाबा। फ्लाईओवर का काम जब बन जाएगा तब अच्छा लगेगा, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर लगता है। ये काफी ऊंचा है और ट्रैफिक भी है इस बीच। और ये लेफ्ट साइड में है शिवाजी पार्क, और यहाँ पे काली मंदिर भी है। काली मंदिर, ये है काली मंदिर, काली मंदिर है। ये पूरा शिवाजी पार्क है, सब वॉकिंग कर रहे थे। हाँ, सब वॉकिंग जॉगिंग, ऑफिस से जाते जाते वॉकिंग करके जा रहे हैं। हाँ, हम लोग चल रहे हैं आगे प्रभा देवी दादर, हम लोग जा रहे हैं प्रभा देवी। ये देखो यहाँ पे अभी पार्किंग ढूंढना है, गाड़ी चिटा चिटा के सब एकदम चिटा चिटा फेविकोल चिटा चिटा के पार्किंग ढूंढना है, बहुत बड़ा है। अरे हाँ रे भाई, यहाँ पे आराम से हो जाता हूँ, स्कूटी को हटा दू क्या आगे में देखो लाइफ। ये प्रभा देवी एरिया पे वहाँ पे पार्किंग मिला, यहाँ पे घर बहुत सुंदर, मतलब ओल्ड, ये ओल्ड टाउन के अंदर पड़ता है दादर ये सारे जगह। और यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर काफी सारे हैं, पिछले बार जब आई थी तब ने सबने बोला था, मतलब आपने बताया नहीं। चाय पी के आते हैं, चाय पे, हाँ किसी के घर पे चलो चाय पी। I've heard a story, I've heard it said, I've come to... सिद्धि विनायक आए हम लोग अभी, और कल का देखा ना अंगूठी सारे गणपति जी के सामने मिला, उसके लिए थैंक यू गणपति जी। और एक्चुअली ये मुझे लगा, मेरा अंदर से एक फीलिंग्स आया, शायद एक इंडिकेशन है, बहुत दिन सिद्धि विनायक नहीं आई। पिछले साल जब खुला था मंदिर तभी आई थी, इसलिए सोचा नहीं सिद्धि विनायक एक बार आना था, सोच रही थी माइंड पे, लेकिन होता ना जब तक एक पूरा बुलावा नहीं आता तब तक नहीं होता। तो कल रात को ही मुझे लगा था नहीं, आज ट्यूसडे है, सिद्धि विनायक जाना ही है जैसे भी करके। और भीड़ तो था ही ऑब्वियसली, सिटी को बड़ा बड़ा मोदक देख के बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो मावे का है, रियल मोदक है। देखो मंदिर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन, मतलब रिनोवेशन चल रहा है। ये है मंदिर, एक्चुअली कवर किया हुआ है, इसलिए ये जो चूड़ा है ये दिख रहा है,
और यहाँ से एंट्री है ये, अंदर से काम चल रहा है इसलिए नहीं दिखेगा। और ये साइड में पूरा दुकान है, सिद्धि विनायक का मूर्ति है, यहाँ पे आरती चल रही है। अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है, पूरा भीड़ बढ़ गया, हम लोग यहीं से देख रहे हैं। मंदिर पे आप लेके जाओ शांतनु का, कुछ ना खिलाओ और छोटे बच्चे जैसे उपवास करके ये किया ना बाबा, उपवास किया सुबह से, उपवास किया गणपति जी का दर्शन करके। और देखो ये तो लड्डू के जैसा, ये लड्डू नहीं है, ये है बड़ा। आप लोग बड़ा खाओ और शांतनु खा रहे बड़ा पाओ, बड़ा एंजॉय कर रहे। श्री कैसे? बहुत अच्छा बना है, घर पे जरूर गाड़ी में जरूर ट्राई करना था। तो गणपति जी शायद बोल रहे हैं बहुत दिन मेरे साथ मुलाकात नहीं हुआ, पिछले साल आए थे ना। हाँ, वो जब खुला था तब आए। एसी के वेंट पे स्वीटी चाय ठंडा कर रही है। हाँ, स्वीटी ऐसे करके चाय ठंडा हो गया, एंजॉय। अरे हाँ, बड़ा पाव के बाद चाय तो मस्त है लेकिन बहुत गर्म है भाई। हाँ, ऐसा करके ठंडा करना पड़ेगा। चलो भाई, आज इतना गर्मी है ना, जबरदस्त गर्मी है। स्वीटी गर्मी कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रही है यहाँ पे गर्मी में, बैठ बैठ कर रही है, पढ़ाई कर रही है। स्वीटी हिस्ट्री अभी उसके चल रहा है, हिस्ट्री प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट, ये है उसका लास्ट प्रोजेक्ट और हम लोग का वही चल रहा है रिसर्च। चलो जल्दी करो, भूख लगा, इसके बाद खाएंगे। और रात को पौधे तो भाई मस्त रहता है। गुड नाइट, तुम लोग सो जाओ। स्वीटी ने पूरा ये दरवाजा बंद करके रखा था, आज खाते खाते भी लेट हो रहा है, 11:30 बज चुका है। तो अभी क्या करें, इधर का फैन लाइट किचन साफ आधा किया आधा छोड़ दिया। अभी यहाँ पे देखो देखो परमानेंट प्रमोशन हो गया, सिल्वर से गोल्ड। तुम मुझको क्यों नहीं कह रहे, ये स्वीटी का था। जो जैसा साइज उसका वैसे, ये वो मेरा था। मम्मी का होना चाहिए। अच्छा मेरा साइज जो, अच्छा वो हाइट हिसाब से, वाह। आज तो मेरा साइज बोला, साइज तो तुम सबसे छोटे हो। आज तो मेरे जैसे एकदम वो राइस सेरेमनी जैसा है, जैसे बात ये शांतनु को ये छोले के छोले पे काबुली चना दिख रहा है, काबुली चना दिख रहा है, बड़ा बड़ा साइज का। अगर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ काबुली चना, ये है आलू दम और ये है मेरा फेवरेट मूंग दाल की सब्जी, मूंग दाल की सब्जी है, नारियल दाल के, ये है मुचा और ये है मतलब बनाना फ्लावर और ये है पूरी। उसको जब भी आलू दम देखा ना मुझे बोले पूरी बना, मतलब गर्मी में पूरी खाओगे, एक तो बड़ा पाव खा के आए। वही मैं सोच के खाऊंगा कि मैं पूरी के साथ खा रहा हूँ, इसीलिए मैं आलू दम नहीं बनाती। एक आलू में खाया बहुत अच्छा, ये पूरी का साथ बहुत अच्छा जाएगा जब भी, इसीलिए ना साथ ये दाल, मतलब ये दो पूरी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मस्ट कॉम्बिनेशन। आलू दम नहीं बनाऊंगी, छोड़ो बाबा। ये मोचा बहुत अच्छा लगता है, बनाना फ्लावर बहुत बदिका चुकी है, दाल दाल खाने का मन नहीं करता लेकिन शांतनु के लिए दाल बनाने पड़ता है, ये तो जरूर ट्राई करना। ड्राई वाला नहीं अच्छा। और इसको ना पूरी और पराठा के साथ, अगर घर में खाओ इसको तो पूरी के साथ ही खाओ, वरना मत खाओ। नहीं बनाना ना आप लोग, पूरी पराठा रोटी के साथ कौन आलू दम खाता है बोलो, कैमरा में बोलो, चावल के साथ कौन आलू दम खाता है? हम खाते हैं। अब ये गर्मी में पूरी बनाना पड़ेगा। हाँ, गर्मी में पूरी बनाओगे और दो दो बड़ा पाव खा के आए हो, जो सबने करता है वो। बोल स्वीटी, बड़ा पाव खा के आए है ये, लेकिन सचमुच रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ खा सकते हो। याद आ रही है पूरी तेरी, याद आ रही है याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, पूरी तेरा याद आ रहा है। चलो कोई नहीं, खा लो खा लो खा लो। ये सुबह सुबह ना, ये जो वॉशिंग मशीन का ये नल है ना, ये बेचारा लीक हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। मेरा स्क्रू ड्राइवर देखो, स्क्रू ड्राइवर कौन निकालेगा, क्योंकि नीचे सामने मिला यही, ये एक्चुअली पूरा नीचे आ जाता है ना, ये थोड़ा झंझट वाला है, ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं है लेकिन है तो है, तब कई शायद ऐसा ही होता है क्या। ये एक्स्ट्रा नल के, क्योंकि ये नल अगर बाई चांस खोलने जाओ ना, देखो देखे ऐसे हो रहा है, पूरा खोल के नीचे से इसको लगा, ये वाला खोलना पड़ता है। कब का चलाई थी उसके वजह से, उसके बाद क्योंकि शांतनु ऑफिस जाता है ना सुबह सुबह, हड़बड़ी रहता है तो इसको छोड़ के गई। अभी शांतनु गया तभी मैं उसको फिक्स करने आई। ओह देखो चल रहा है स्कूल से आके नहा के, बंदर आम खा रहा है ना। बंदर आम कैसा है, कौन सा पेड़ से लाया है?
जंगल तो पता होगा कौन सा जंगल से लाया है, ये देवगढ़ जंगल से आया है। और यहाँ पे इस तरह से लाइट जला के बैग ढूंढा जा रहा है क्योंकि इसका एक्सेस ऐसा ही है। पकड़ो मेरा जो भी लेना उसके क्या लाइनर यूज करते करते वो बैग ढूंढ रही है। वो बैग का वो ऐसे ही रखना पड़ता है और नीचे इस तरह से देखो झुक के लेना पड़ता है। क्या करे वहाँ पे बैग नहीं है तो वहाँ पे ठूसा जाता है। देखो बैग का ऐसे ही हालत है। अभी मोहिते का भी फरमाइश है, ये इसमें गेहूं है, गेहूं पिसा के लेके आना है। फिर इसको ये करना है पिसा, ये है इसमें आ जाएगा। आटा पिसा ही चल रहा है, क्या अच्छा खुशबू आ रहा है। मुझे तंदूरी बन रहा है क्या? अच्छा मुझे तो डाउट हो रहा था। बढ़िया है तंदूरी दाल, तंदूरी दाल आज मुझे, मैं बोल रहा था आज मुझे तंदूरी खाने का बहुत इच्छा कर रहा है। सो थैंक यू मोहित, थैंक यू फॉर सर्विंग तंदूरी दाल। किसके किसके घर में ऐसा तंदूरी दाल बनता है बताना जरूर जरूर। सबका घर में थोड़ा बहुत तो होता ही है। अरे मैंने चढ़ा के दही डाला कि नहीं इसमें? दही जिंजर गार्लिक पेस्ट पंजाबी गरम मसाला लग गया पूरा। देखो पति लगा क्या हालत हुआ। गरम गरम आटा फ्रेश एकदम, बहुत गरम है भाई। खेत से ले आके एकदम पिसा, खेत से ले आया। साई के पास खरीदा था। हाँ बोलो। कोल्हापुर में साइड में जाते हैं एक्चुअली, मुझे उनका बेचना था, मतलब मुझे मतलब उनका सेल हो जाए इसीलिए मैंने खरीदा। ऐसे तो आटा तो पैकेट में लाते हैं। चलो उनका भी गर्मा गर्म है। पूरा घर बिखरा हुआ है, काम करते करते सब एक साथ नहीं होता। खाना चढ़ा रही, यहाँ पे आटा दो को रख दिया। इतना गर्म है ना, फिर भी थोड़ा सा यहाँ ठंडा होगा ना, हवा में रहेगा। हाँ स्वीटी आके पढ़ाई कर रही है। मुझे कहीं पे ये बीज मिला था, ये अपराजिता के बीज होता है ना व्हाइट कलर, तो मैं स्वीटी को बोला स्वीटी ले ले। साइड में जाते जाते मैं बोला ठीक है ना, अच्छा है तो काम आएगा। मेरे पास ब्लू वाला है, व्हाइट वाला नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा बचपन से ये क्वेश्चन टीवी देख के मूवी देख के होता है, किसी का घर पर ढप करके सर पे पूरा आटा आटा वो मूवी में दिखाता ना, पूरा डब्बा ऊपर से गिर गया। नहीं स्वीटी नहीं, वो गिर गया। सचमुच किसी के साथ हुआ है क्या आज तक? तुमको फिर चक्की में जाना चाहिए था आज। चक्की में तो उठा तो धुला था। नहीं नहीं मूवी में दिखा था ना, ऊपर में डब्बा डब्बा निकालते गए, पूरा ऐसे करके पूरा मतलब आटा में नहा लिया। वैसा होता है क्या रियलिटी में? आज तक तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। आटा ले लो 5 किलो आटा, लेकिन 5 किलो आटा देखो एक डब्बे में नहीं आ रहा है। अभी इसका क्या करे? 5 किलो गेहूं का आटा का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो मतलब 5 किलो का लगभग 7 किलो जैसा डब्बा होना चाहिए। हाँ। तो 5 किलो का डब्बा क्यों बनाते है? 3 किलो आटा पीसा। 5 किलो का डब्बा क्यों बनाते है? तो 5 किलो में तुम्हारा 3.5 किलो का नहीं, 3.5 किलो का गेहूं का आएगा। तो दबा रखने ठंडा हो गया उस घर पे। Get out of what you call home, your name is written in the sky.